टॉप 5 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन्स अंडर 25,000। सो हे टेकीज, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, जो वीवो स्मार्टफोन कंपनी ने वो अपने टॉप नोस लेवल के डिजाइन और तगड़े कैमरे की क्वालिटी के लिए जानी जाती है। तो अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने वाले हो, ढूंढ रहे हो ऐसा एक जबरदस्त लेवल का वीवो का स्मार्टफोन, तो आज की इस वीडियो में आज आपको 20 से लेकर 25,000 के बजट में आने वाले 5 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से वीवो V21। हालांकि थोड़ा सा पुराना जरूर है, पर स्टील अगर आपको 25,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, जहां पर आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरे में OIS का सपोर्ट मिल जाए, 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाए, तो V21 एक आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली है। यहां पर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD+ वाली एक E3 AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है। 800 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। बैक में AG मैट ग्लास डिजाइन दिया गया है। MediaTek की तरफ से Dimensity 800U वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। नॉर्मल डे टू डे यूजेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड पे आता है और FrontOS 11.1 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 33W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, OIS का सपोर्ट दिया गया है, दूसरा कैमरा 8MP का वाइड एंगल और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 44MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा, जहां पर आपको OIS का सपोर्ट दिया गया है, ऑटो फोकस भी मिल जाता है और 4K तक की सेल्फी वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS का सपोर्ट मिल जाता है, उसके साथ साथ सुपर नाइट मोड, सेल्फी मोड और आई ऑटो फोकस जैसे फोटोग्राफिक मोड्स दिए गए हैं। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा 25,999 रुपीज़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 4 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से T2। सो गाइस, अगर आपको 18-19,000 के बजट में कोई सा एक लेटेस्ट और बेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो T2 आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होने वाली है। यहाँ पर आपको 6.38 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1300 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है और बैक में कलर चेंजिंग ग्लास डिजाइन भी मिल जाएगा। बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 695 वाला एक पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि बजट के अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पे आता है और FrontOS 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलने वाला है। 4500mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सपोर्ट करती है 44W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 2MP का बोके शूटर और फ्रंट में 16MP का सेल्फी शूटर मिलता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS और EIS दोनों का सपोर्ट मिल जाएगा, उसके साथ साथ 1080p तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है, बहुत सारे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट मिल जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन में आपको 2 कलर वेरिएंट मिलते हैं। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो इस स्मार्टफोन का 6+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलने वाला है 18,999 रुपीज़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से वीवो T1 प्रो। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 22-23,000 के आसपास है और इस बजट में आपको कोई सा एक बेस्ट मिड रेंज लेवल का वीवो का स्मार्टफोन चाहिए, तो आप वीवो T1 प्रो के साथ जरूर जा सकते हैं, जहां पर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD+ वाली टर्बो AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1300 nits की पिक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बात करें प्रोसेसर की, तो यहां पर आपको क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G वाला पावरफुल मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर मिलता है। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पे आता है और FrontOS 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। 4700mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 66W के फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64MP का है, दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रावाइड और तीसरा कैमरा 2MP का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 16MP का सेल्फी शूटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको 4K तक की वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, डुअल वीडियो मोड और सुपर नाइट मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाएंगे। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो फ्लैगशिप लेवल का 8-लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की, तो स्मार्टफोन का 6+128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 23,999 रुपीज़ में। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन आता है, वो आता है वीवो की तरफ से Y100। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सा एक लेटेस्ट और बेस्ट और ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए वीवो का 25,000 के बजट में, तो आप रिसेंटली लॉन्च Y100 को कंसिडर कर सकते हैं, जहां पर आपको 6.38 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। बैक में आपको कलर चेंजिंग HD ग्लास डिजाइन मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो MediaTek की तरफ से Dimensity 900 वाला प्रोसेसर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 13 पे आता है और FrontOS 13 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा।
4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि 44 वॉट के फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट दिया गया है। दूसरा और तीसरा कैमरा 2+2 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाता है। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको हाइब्रिड इमेज स्टेबिलाइजेशन मिल जाएगा, उसके साथ साथ बोके फ्लेयर, पोर्ट्रेट मोड, मल्टी स्टाइल पोर्ट्रेट और सिनेमेटिक वीडियो जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिलने वाले हैं। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट है। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 23,999 रुपीज में। उसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो आता है वीवो की तरफ से वीवो V25। सो गाइस, अगर आपको 25,000 के बजट में कोई ऐसा एक अल्टीमेट लेवल का और लेटेस्ट वीवो का स्मार्टफोन चाहिए तो V25 आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। यहाँ पर आपको 6.44 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 1300 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। बैक में आपको कलर चेंजिंग HD ग्लास डिजाइन मिलता है। बात करें प्रोसेसर की तो MediaTek की तरफ से Dimensity 900 वाला प्रोसेसर मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन Android 12 पे आता है और FrontOS 12 पे आपको वर्क करते हुए देखने को मिल जाएगा। 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि सपोर्ट करती है 44 वोट के फास्ट फ्लैश चार्जिंग स्पीड को। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें से प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट दिया गया है। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल शूटर और तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर है। फ्रंट में भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर मिल जाएगा। स्मार्टफोन के मेन कैमरे में आपको OIS, नाइट कैमरा, बोके फ्लेयर, पोर्ट्रेट मोड, HDR मोड जैसे फोटोग्राफिक मोड्स मिल जाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फीचर्स की तो यहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाएगा, 4D गेम लीनियर वाइब्रेशन मोटर है, एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी। और अगर फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट है 8GB रैम प्लस 128GB रोम वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा 25,990 रुपीज में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट वीवो स्मार्टफोन जो कि आपको 25,000 के बजट में मिलने वाले हैं। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, बजट और यूजर्स के अकॉर्डिंग किसी भी वीवो स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।